ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ PWD ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ खिलाफ जो इतने नारेबाजी की थी। इस मौके धरनाकारियों ने कहा कि पुल ना बनने कारण उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है जिस कारण उन्होंने मजबूरी बस ये धरना लगाने लिए मजबूर होना पे है क्योंकि पुल ना बनने कारण ज़्यादातर बसा बाईपास तो ही अगे लंघ जांदियां ने अते लोगों को बेलोड़ी खज्जल खुआरी झलनी पै रही है। उधर लोगों को दरपेश इस समस्या बारे PWD के अधिकारी का कहना है कि पुल का जो काम है उसनों लेके कुछ दिक्कतों पेश आ रही ने पर इस साल पंजवें महीने तक पुल के उसारी का सारा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिहड़ा पुल तोड़िया सी इन्हां ने कहा सी कि फरवरी की एंड तक यह हर हाल च पुल बन के तैयार हो जाएगा जिहड़ा कि हुण इह कहिंदे कि 4-5 महीने हले होर लगणगे। उधर सारे पिंड वालिआं नूं बड़ी औखी हो रही है। चलो वह बोट क्लब के अंदरों जिहड़े सवेर वाले बच्चे सीगे स्कूल वाले ड्यूटियां वाले वह मोटरसाइकिल ते बोट क्लब के अंदरों स्कूट मोटरसाइकिल ते आ जांदे सी उन्होंने भी गेट ते ताला लाता उन्होंने भी अपनी रिपेयर शुरू करती ते वह हुण कई 5-4 किलोमीटर फालतू पै रहे जिहड़े सवेरे ड्यूटी ते जा रहे हैं। अज दुखी होकर हल्के के लोगों ने इतने धरना लाया है कि सानू दस्या जाए कि पुल ना बनने की की वजह है। अज असी भगवंत मान सरकार नू भी यह बेनती करते हैं एक पासे तो उन्होंने सड़कों के उपर लखा रुपए के बोर्ड लाते तो उपर लिखा होया कि साडा कम बोलता है पर मैं तो कहना कि बोर्डा के उपर तो लिखा कम बोलता है पर साडा तो हलका जिते तुसी कोई काम करे उन्हूं टोलदा है दसो सही कित्थे आ। ते इहदे च दो इशू सीगे एक तो असी स्टेज वन क्लीयरेंस सानू बहुत देर दी 7-8 महीने पहले मिली हुई है पर उहदी जिहड़ी है फॉरेस्टरी जिहड़ी है स्टेज टू क्लीयरेंस सानू पैसे 5वें महीने ते असी जमा करवाए हुए है बट स्टेज टू क्लीयरेंस अजे तक मिली नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली असी मैं अज भी फॉरेस्ट ऑफिस गया सी उत्थे कल शाम तक मिलने की उम्मीद है। ये दोनों क्लीयरेंस हो जाती है तो पुल जिहड़ा फुल रफ्तार नाल काम हो जाएगा तो 5वें महीने तक हो जाएगा जे सानू हुण मेरे ख्याल कल तक मिल जाती है।